गारफील्ड सोबर्स 17 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज के लिए जब वो पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे तो वो बतौर स्पिनर टीम में लाए गए थे। वो 9 नंबर पर बैटिंग करने आए और उन्होंने 16 और 24 रन बनाए, मैच में विकेट लिए 4। लेकिन जब वो इस खेल से रिटायर हुए तो क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडर बनकर रिटायर हुए। वो गैरी सोबर्स से सर गारफील्ड सोबर्स बन चुके थे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सर डॉन ब्रैडमैन को इस गेम का ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहते हैं और दूसरे वो जो ये दर्जा सचिन तेंदुलकर को देना चाहते हैं। लेकिन बात जब क्रिकेट के ऑलराउंडर्स की आती है तो गैरी सोबर्स की महानता पर कोई भी उंगली नहीं उठाता। गैरी ने 21 साल की उम्र में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारी। उस इनिंग्स में उनका पर्सनल स्कोर था 365 रन। साल 1994 तक पर्सनल स्कोर्स के मामले में ये एक रिकॉर्ड था। लेकिन जब ये रिकॉर्ड टूटा तो बल्ला वेस्ट इंडीज के ही ब्रायन लारा के हाथ में था। सर गैरी सोबर्स उस दिन मैदान में बैठकर अपना ही रिकॉर्ड टूटते हुए देख रहे थे। हम 90 में पैदा हुए लोगों ने सचिन को लेग स्पिन, ऑफ ब्रेक या कभी कभी सीम अप बॉलिंग करते हुए देखा है, लेकिन गैरी सोबर्स उनसे बहुत पहले ये काम किया करते थे। वो शानदार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और रिस्ट स्पिन करते थे। मौका पड़ने पर गैरी सोबर्स मीडियम पेस बॉलिंग भी किया करते थे। इसके साथ ही वो क्लोजिंग फील्डिंग में कमाल के फील्डर थे। गैरी सोबर्स जब पैदा हुए थे तो उनके दोनों हाथों में एक एक उंगली एक्स्ट्रा थी जो बाद में हटा दी गई थी। गैरी सोबर्स के पहले टेस्ट विकेट के बारे में एक मजेदार कहानी है। 30 मार्च 1954 को वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। उनका सबसे पहला टेस्ट विकेट था ट्रेवर बेली। 1967 में रिटायर होने के बाद ट्रेवर बेली एक क्रिकेट राइटर बन गए और उन्होंने गैरी सोबर्स के ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर गैरी, लाइफ ऑफ गारफील्ड सोबर्स। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं thelallantop.com। क्रिकेट के ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए।